पंजाब ने उन लोगों को थप्पड़ मारा है जो उन्हें निकम्मी और बिल्कुल लद्दर टीम समझते थे। भाई पंजाब ने क्या करारा थप्पड़ मारा है बिल्कुल ही भाई, केकेआर पे 262 चेज करके। वही आईपीएल में अगर हॉल ऑफ शेम हुआ ना तो केकेआर को पहला अवार्ड जाना चाहिए। पहला अवार्ड तो भाई उन्हीं को मिलना चाहिए क्योंकि 261 बनाने के बाद भी अगर पंजाब, अबे भाई हारे भी किससे हो तुम, पंजाब किंग्स से जो भैंचो नीचे थी आरसीबी का साथ दे रही थी पॉइंट्स टेबल में। आप थोड़ी इज्जत करो पंजाब की, क्योंकि हाईएस्ट एवर T20 का चेज है ये। एक चीज देखो, अब पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ऑलमोस्ट बाहर है, तो अब जो उनको मैचेस इतने सारे जीतने पड़ेंगे तो अब वो जो करेंगे ना भाई वो यही कारनामे करेंगे दोनों टीमें। वो तो पंजाब तो इसी चीज के लिए फेमस है, फेमस इसी चीज के लिए, हारे हुए मैच जीतने के लिए, जीते हुए मैच हारने के लिए। लेकिन जब हारती थी अब वो भाई अपना पूरा दे देगी, वो मैच को लेके ही जाएगी। हाँ, और आरसीबी ने चाहे कितने ही गंदे कर्म करे हो, कितना ही बेकार काम करा हो, भाई चेज करते हुए 262 तो कभी नहीं पड़ रहा। 262 भाई उन्होंने शुरू में बैटिंग करते वक्त चाहे वो कितनी रन खा ले, लेकिन जब चेज करते हैं ना तो रन बचा जाते हैं। मतलब केकेआर वालों के, ओ आरसीबी वालों के दो मौज हो गए कल। पहला कि केकेआर कल फिर से उनका 263 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, कल बच गए। हां बच गए हैं। और सेकंड, अब वो कहेंगे कि यार हम कितनी बेकार टीम हो, हमने 260 तो कभी नहीं पड़वाए भाई। लेकिन जोनी बैरिस्टो भाई, जोनी जोनी ने केकेआर से यस पापा बुलवा दिया कल तो। क्योंकि जिस हिसाब से पहले है भाई 45 बॉल में 103 रन कुछ मारे है। एक तो इतनी तगड़ी पारी खेल गए, और शुरू में जो प्रभ सिमरन थे वो रन आउट हो गए, कल उसका तो चीड़ी छक्का बढ़िया चला भाई, चीड़ी छक्का और भी चलता अगर वो रन आउट नहीं होते, एक चक्कर के एक रन के चक्कर में आउट हो गए। और रन आउट हुआ भी किससे, सुनील नारायण भाई, वर्स्ट फील्डर है वो भाई, बेस्ट फील्डर है, वर्स्ट फील्डर है। लेकिन जो कल उनका स्पेल था ना, सबसे मस्त पहल उन्हीं का था, 6 की इकोनॉमी पे गया कल वो। मतलब सारे प्लेयर 10 की इकोनॉमी 12 की इकोनॉमी पे पिट रहे हैं, सबसे बेस्ट पहल उनका, मतलब 6 में 24 और दूसरे और दूसरे बंदों ने 90 बॉलों में ऑलमोस्ट तुम्हारे 250 रन दे दिए, 205 रन दिए। नहीं नहीं यार, अच्छा, आप 24 रन ही तो हटाओगे, 24 रन ही हटाओगे, सही बात है। तो 240 रन दे दिए, 208 बॉल रहते हुए मैच जीत गए भाई। तो मैं कह रहा हूँ मतलब केकेआर हॉल ऑफ शेम में जा रही है भाई। मतलब केकेआर में से सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, सुनील नारायण बैटिंग से भी अच्छी शुरुआत देके जा रहे हैं और बॉलिंग से भी विकेट चटका के जा रहे हैं। बॉलिंग में कोई इतना प्लेयर खास कर ही नहीं रहा, हर्षित राणा थे कल वो भी फ्लॉप हो गए। मिचेल स्टार्क को ना खिलाने की ये बद्दुआएं तो नहीं लगी भाई? हो सकता है, क्योंकि मिचेल स्टार्क खेलते चाहे वो अकेले ऐसे प्लेयर है, वो रन खा जाते हैं, बाकी प्लेयर तो बच जाते हैं उनके चक्कर में भाई। है इस चक्कर में यार तुम लोगों ने ना सुहाना खान रुला दी। सुहाना खान तो छोड़ो, वो तो रोती रहे रोती रहे। बात ये है कल तो भाई अय्यर तक ने मार दिया यार। हाँ, तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन की लड़ाई में अय्यर तक जीत गए भाई। तो आपको 260 बनाने ही नहीं थे, आपको ज्यादा बनाने थे। हाँ, आपने अय्यर जैसा बंदा तो चला, गलती किसने करी है फिर? तो आप वेंकटेश अय्यर को बोलोगे गलती कर गए। गंदी तो गलती पिच क्यूरेटर ने किया, ये कौन सी पिच दे रहा भाई, हमारे बॉलर मतलब ट्रोमा लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में, ये हो क्या रहा। सही बात है, अब तो भाई बहुत सारी ट्वीट आ गई है, ऑलमोस्ट हर बंदा ट्वीट कर रहा है कि भाई बॉलरों के लिए कुछ तो छोड़ दो। इंपैक्ट रूल भी बैट्समैन के लिए पक्ष में गया है भाई, मतलब बैट्समैन या ऑलराउंडर के पक्ष में जाता है, बॉलर के पक्ष में तो तब फिर भी यार 260 चेज करना बनता नहीं था। मतलब ये ऐसा होता है, चलो यार तुम 10 ओवर में 140 भाई, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं लगा पंजाब किंग बैक स्टेप गई है शुरू से लेके एंड तक भाई, हर बॉल पे उन्होंने छक्का चौका सिंगल डबल, ओवर में उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दिया भाई। प्रीति जंटा के आलू परांठे खाने के लिए मर्द क्या कुछ नहीं कर सकते, कल पंजाब ने दिखा दिया भाई। उन्होंने भाई कितने रिकॉर्ड तुड़वाया अपने खिलाफ, लेकिन जो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाने था 262 का, ये उनका सबसे बेस्ट करियर रिकॉर्ड। सात खून माफ पंजाब के, सात खून क्या भाई, 12 खून माफ जो उन्होंने शिखर धवन को बाहर रख रखा था, खिला नहीं रहते वो भी माफ कर दे। मोस्ट सिक्सेस एक मैच में 42, मतलब बंदा मुंहतने जाए ना दो छक्के उसके मिस हो जाए भाई, कि दो छक्के कब लग गए। सही बात है, सही बात है, मतलब बुक क्रिकेट चल रहा था यार, खोला यार, वो सिक्स। मतलब बिल्कुल यार ऐसा होता है ना कि यार हमें उम्मीद थी भाई पंजाब किंग्स हर स्टेप पे कोलैप्स कर जाएगी, अब कोलैप्स करेगी, अब कोलैप्स करेगी। एक भी विकेट ऐसा नहीं लगा कि भैंचो केकेआर ने इज्जत से जीती है, एक भी विकेट पे ऐसा नहीं लगा। पहली विकेट रन आउट, दूसरी विकेट मिस शॉट करके वो आउट हो गए, उसके अलावा ऐसा कोई शॉट ही नहीं था कि पंजाब किंग्स ने मिस हिट करा हो या मिस फील्ड करा हो। वेंकी अय्यर को कोस अपने आप को कोसेंगे भाई। जब पंजाब किंग्स बॉलिंग कर रही थी ना, वो एक टाइम पे ये भी होगा कि भैंचो दम इतनी कैचे छोड़ रहे हैं, कितनी कैचे छूटी है, अरे हलवी हलवी कैचे छोड़ी है यार, कल बहुत हलवी कैचे छूटी है। पर अब वो उनकी बात की नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी से कवर कर लिया। सही बात है। और अब वेंकटेश अय्यर को कोलकाता के फैंस जोनी बैरिस्टो के आप इतना वर्ल्ड कप ऑडिशन देने आ रहे थे भाई, वो तो वही बात है, उनको इंडिया के लिए खिला लो, मैं तो कह रहा हूँ
और उसको शरीर देख के लग भी रहा है वो आलू परांठे खाने वाला बंदा है वो। हाँ अब तो बिल्कुल फूल गया, लेकिन भाई हिट क्या करता है यार, हिटिंग तो मतलब क्या तगड़ी हिटिंग करी है, बॉल लगते ही छक्का। वो वैसा बंदा है जॉनी बेयरस्टो की तो चलो हम बात कर रहे हैं, शशांक सिंह वो तो अब तो मैं हैरानी नहीं हूँ, वो अच्छा कर रहा है, मैं हैरानी नहीं हूँ, पहले था मैं। पंजाब किंग्स को उन्होंने सही में अब तो साबित कर ही दिया कि तुमने मेरे को छोड़ के दूसरे प्लेयर पे जा रहे थे ना, अब वो ऐसा प्लेयर बन चुका है कि ये रिटेन करेंगे। भाई पर इनकी हरकतें ऐसी है क्या पता इसे भी ना करें। भाई रिटेन तो देखो करना बनता है, इन पे प्लेयर कौन है फिर? बनता है, बनता है। इन पे सैम करन है, उसको रिटेन करेंगे। हां ये उसको कर लेंगे। ओ हम तो करन की कप्तानी में जीते थे ना, करन को रिटेन करते हैं। सैम करन को तो देखो ये करके चलेंगे रिटेन। एक शशांक सिंह हो गया, आशुतोष शर्मा हो गया, अब फोर्थ प्लेयर है जो थोड़ा इनके लिए रायली रूसो कर लेंगे। ओ उस मैच में उसने भी मारे थे दो छक्के। भाई ये ऐसी है हरकत वाले। बाकी ना दुश्मनता चमीरा चले आप उनको हाँ, लाए। हाँ यार देखो यार मेरे को उम्मीद थी कि ना टोनी बेयरस्टो ना अंदर आने वाली बॉल पे फंसते हैं, और दुश्मनता चमीरा पे वो गति भी है हाँ, और वो अंदर लाने वाली वेरिएशन भी है, स्विंग भी है, तो क्या पता वो आउट कर। भाई यही है ना, पापले में तो जो है ना प्रभ सिमरन मारता गया और जो एक ओवर अनुकूल। भाई ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी प्रभ सिमरन की, उसने देखा जॉनी बेयरस्टो पहले ओवर में नहीं मार पा रहा, जॉनी बेयरस्टो ओपन करता है पहले ओवर में, उन्होंने देख लिया कि नहीं लगेंगे इससे। भाई वो हर लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेता था, अपने पास स्ट्राइक रखता था, और पावर प्ले में भाई सुनील नारायण तक को कूटा उसने। धूम मचा दी भाई कल तो पंजाबियों ने, मतलब मजा ही आ गया मैं सच बता रहा हूँ। पर अगर दूसरी तरफ मैं देखूं बॉलरों का मर्डर हो गया, पर चलो ठीक है मजा आया, काफी बढ़िया मैच था। सुनील नारायण इकलौता पॉजिटिव थे, बल्लेबाजी तो केकेआर की पॉजिटिव, बल्लेबाजी में भी यार नमक ने भी बढ़िया करा था, नमक ने भी अच्छा खासा दिया। वेंकटेश अय्यर पे सवाल उठ सकता है, अय्यर पे थोड़ा सवाल उठ सकता है क्योंकि उसी का स्ट्राइक रेट कम था यार। 23 बॉलों में तुम 39 मार रहे हो उस मैच में, जहां वेंचोद हर तीसरी बॉल पे छक्का पड़ रहा है, बॉल पे छक्का पड़ रहा है, अय्यर तक आके 9 बॉल में 28 रन कुछ मार। मतलब के ओ शाहरुख ने भी जब मैच का हक किया था ना वेंकटेश अय्यर के, उसकी क्या नाम है गर्दन पे ऐसे दबा दिया था बैन के लड़े तूने आ रहा है सारे। और हर्षित राणा भी कल, चलो एक उनका ऑफ डे आ गया। हाँ। और वरुण चक्रवर्ती भाई, एक तो ये नहीं समझ में आता इसने देख क्या लिया, इसकी आंखें ऐसी होती हैं मैं समझ में नहीं आ रहा, और पिटे जा रहा है ये बैन तो मिस्ट्री स्पिनर था किसका, ये मिस्त्री स्पिनर है साला, अब मिस्त्री बन मिस्त्री है और कुछ नहीं है। आंड्रे रसल का भी कुछ एक नंबर मैच हुआ है कल, बिल्कुल पैसा वसूल मैच हुआ है। जय शाह की स्क्रिप्ट भाई, इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी है बंदे ने कि स्क्रिप्ट का टाइटल था बॉलरों की मां चोदूंगा। और सही में चोद ब्रैकेट में केकेआर वर्सेस पंजाब टाइटल लिया था भाई। देखो पंजाब किंग्स का मैच थ्रिलर ना हो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस आईपीएल, वो तो है ही थ्रिलिंग मैच के लिए तो ये पैदा ही हुए हैं, पैदा ही हुए हैं, चाहे हारे हैं ये वन साइडेड नहीं हारते, ये वन साइडेड नहीं हारते भाई, ये मैच को बिल्कुल लास्ट ओवर तक ये वन साइडेड पता कब हारते हैं, जब 30 पे 30 इन्हें चाहिए होते हैं। ओ अब तो पंजाब ही जीतेगी, आधे घंटे बाद उठो वो बैठ तो दो रन से हार गए क्योंकि उसमें भी तो थ्रिलर बना रहा है, थ्रिलर इजी विन इनको पसंद ही नहीं आती बेंचो, जब तक 30 बॉल में 70 रन नहीं चाहिए होते ना इन्हें मजा नहीं आता बैटिंग करने में। आलू के परांठे साथ दे थोड़ी, पूरा मक्खन चाहिए इन्हें, क्योंकि 30 बॉल में 30 चाहिए होंगे, आराम से खेलेंगे विकेट गिरेगी, विकेट गिरेगी इनके बस की नहीं रहेगी फिर। तो वही बात है, अब हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे केकेआर के लिए, और आपको कहेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हमारे स्पॉन्सर को भी थैंक यू, स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड 2 मिनट साइलेंस प्लीज KKR के लिए।